हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद द न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? मैं काफ़ी लंबे समय के बाद एक व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। कुछ सरकमस्टांसेस की वजह से मैं व्लॉग्स कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो अभी सुबह हो चुकी है और हम आज का हमारा प्लान है कि हम खाटू श्याम जी जाएंगे बाबा जी के दर्शन करने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको अपना डेली रूटीन शेयर करूंगी, आज हम किस तरीके से तैयारियां करेंगे और कैसे यहाँ से निकलेंगे, बने रहिए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं रास्ते में तो कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, तो अभी हम पहुँच चुके हैं रिंगस के मोड़ पर। यहीं से बाबा के निशान उठाए जाते हैं और फिर यहीं से हम निशान उठाएंगे। ये हमने बेसिकली मन्नत मांगी थी जब मेरे ब्रदर इन लॉ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो लगभग 20 से 21 दिन ICU में रहे थे, तो हम सब लोगों ने मन्नत मांगी थी कि हम बाबा के दरबार पर निशान लेकर जाएंगे, तो उसी के लिए हम स्पेशली आ जाए हैं। वो मन्नत जो हमारी पूरी हुई है उसको उतारने के लिए यहाँ से हम निशान उठाएंगे। और निशान उठाने से पहले हम लोग जगह देख रहे हैं कि हम कहाँ पे स्नान कर सकते हैं, नहा सकते हैं, कपड़े चेंज कर सकते हैं, ताकि सब चेंज कर सकें अपने कपड़े। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने अपने हमने नहा लिया था और कपड़े चेंज कर लिए थे, और यहाँ से हम उठा रहे हैं निशान। काव्यांश दीदी सब ने अपने अपने निशान ले लिए हैं, और ये भैया हैं रेड टी शर्ट में जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी उस टाइम पर, तो ये भी साथ में धीरे धीरे चलेंगे अभी। हालांकि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है फिर भी, और काव्याश ने पूरे रास्ते में बहुत ही ज़्यादा, ये जब हम आ रहे थे तो इसने बहुत मस्ती करी, बहुत परेशान भी करता है ये, और ये शैतान साहब देखते हैं कितना पैदल चल पाएगा। मुझे पग पग पे वो देता सहारा है, महक से कहती हूँ शाम हमारा है, महक से कहती हूँ शाम हमारा है, मुझे पग पग पे वो देता सहारा है। Yeah!
वाले आते हैं। हमने काफ़ी सफ़र अपना तय कर लिया है और अभी हम यहाँ पे कुछ खाने के लिए रुके हैं क्योंकि सब बहुत ज़्यादा थक भी गए थे और हम कुछ खाया भी नहीं था काफ़ी टाइम और काफ़ी लेट भी हो चुकी थी, तो हम यहाँ पे सब खाने बैठ गए हैं। सब देखते हैं कौन सब क्या ऑर्डर करता है, क्या क्या खाते हैं। तो अभी जिसको जो भी थोड़ा थोड़ा खाना था सब ने खा लिया और हमने दोबारा से स्टार्ट कर दी अपनी पदयात्रा। देखते हैं और कितना समय लगता है हमें बाबा के दरबार तक पहुंचने में।
माता पिता की सेवा नहीं होती उस घर में कभी भी भगवान वास नहीं करते, चाहे जितना मर्जी धूप जलाओ जोत जगाओ भगवान प्रसन्न नहीं, क्योंकि हमारे माता पिता ही हमारे भगवान है। हर हर महादेव, जय श्री श्याम। मारे देवा बोलो शिव जिया तेरी जय जयकारा हो, मारे देवा बोलो शिव जिया तेरी जय जयकारा हो। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं बाबा के दरबार पे। इस तरीके से ही हम लोगों ने करी अपनी यात्रा पूरी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसे ही वीडियोज़ डेली देखने के लिए।